arthritis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, dyspepsia, arthritis, joint pain, hair loss, skin problem, spine problem का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी, हम आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करें। डॉक्टर लतीफ, आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या VKV स्कूल, मंडे टू सैटरडे फॉर अपॉइंटमेंट कॉन्टैक्ट 9933-22553। नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ जय बबी। अभी इस वक्त खड़े हैं टूसनाबाद ग्राम पंचायत में, जहाँ पे वुमेन्स हेल्थ कैंप रखा गया है। इसमें ये जो है यहाँ के जो NGO के साथ में मिलकर यह कैंप को रखा गया है। यहाँ इसमें काफ़ी सारे लोग, महिलाएं सब जो है यहाँ पे आए हुए हैं, और यह जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से ये कैंप को रखा गया, जिसमें काफ़ी सारे यहाँ के PRA मेम्बर्स, जनप्रतिनिधि है यहाँ पे जो ये कैंप को करवा रहे हैं। देखिए, काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग हैं इस कैंप का जो फ़ायदा है वो उठाने के लिए आए हुए हैं यहाँ के ग्रामवासी, और यहाँ के एक ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सारे लोग इस हॉल में अपना ट्रीटमेंट करवाने, अपना हेल्थ के बारे में, हेल्थ को दिखाने के लिए यहाँ पे आया है। यहाँ पे कई सारे हेल्थ डिपार्टमेंट से जो है डॉक्टर्स आए हुए हैं, स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, और यहाँ पे उनका चेकअप हो रहा है। तो वैसे में हम यहाँ पे जो PRA मेंबर्स है और NGO से जुड़े लोग हैं, उनसे जानेंगे कि यह कैंप रखने का उद्देश्य क्या है। और जैसे कि आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन होता है, और अभी हम उनसे बात करेंगे कि कितना अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है और कितने लोग अभी तक आए हैं। अभी तक जो है हमारा जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट में जो है 13 जन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और गायनेकोलॉजिस्ट में जो है 25 हुआ है, और जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसमें 17 हुए हैं। और यहाँ पे भी एक टेबल है, और यहाँ पे जो है जितने भी लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, यहाँ पे उनका प्रेशर सब जो है चेक करते हैं। तो यहाँ पे उनसे भी बात कर लेते हैं कि कितने लोग अभी तक आए। तो मैम ये बताइए, यहाँ पे क्या होता है? NCD क्लिनिक हो रहा है सर, यहाँ में BP, शुगर चेक कर रहे हैं, हार्ट रेट चेक कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं? जी। अब तक कितने आ गए? अभी तक तो NCD के 30 अबव एज का लेते हैं, अभी तक 13 पेशेंट आए। 13 पेशेंट आए। अभी एक पेशेंट है यहाँ पे, जो यहाँ पे सारा डॉक्टर को दिखाने के बाद में अभी यहाँ पे हमारे पास में आए, तो हम सोचे कि इनसे भी चलो इंटरव्यू ले लेंगे, और यहाँ पे जो कैंप रखी है उससे उनको कितना फ़ायदा हुआ है ये जानते। तो ये कैंप यहाँ पे रखा हुआ था NGOs की तरफ से, तो वैसे में आपको यहाँ पे आके कुछ फ़ायदा हुआ? यहाँ पे आके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। ये जो है वुमेन हेल्थ कैंप लगाया है विथ यू NGO की तरफ से और हमारे तुष्णाबाद ग्राम पंचायत की तरफ से। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे लिए जो ये पॉसिबल नहीं है कि छोटे बच्चे को लेकर के यहाँ से GB पंत हॉस्पिटल जाए, तो उसके लिए आज जो इन्होंने कैंप रखा है, इसके लिए मतलब बहुत मूल्य से बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। और मैं चाहूँगी कि ऐसा कैंप सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि बाकी पंचायतों की तरफ से भी रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे किनको दिखाना था, बच्चा को? मैं भी दिखाई हूँ और प्लस बच्चे को भी, दोनों का ही फायदा हुआ है आज। और जो दवाई भी यहीं से ही हमें मिल गया है, तो इसके लिए हमें यहाँ वहाँ भाग दौड़ करने की भी ज़रूरत नहीं हुई है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्राम पंचायत की ओर से, प्लस जो NGO की तरफ से, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि इसी तरह का कैंप जो है बाकी जगहों पर भी रखा जाए। जो मरियम मैडम है उसका बहुत बोलने से बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक PSC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं शायद, और एक ही डॉक्टर है जहाँ तक है, और स्पेशलिस्ट तो होते नहीं है। तो वैसे में सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पे है, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, ये लोगों से ये समझ में आ रहा है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में लैब है, वहाँ पे टेस्ट होने के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे लोग आते हैं, डॉक्टर्स जो दवाई लिखते हैं, और यहाँ आकर जो है लोग जितने भी पेशेंट होते हैं यहाँ से दवाई लेते हैं। तो सारे सुविधा यहाँ पे रखी हुई है ये कैंप में। अभी हमारे साथ तो कुछ स्टूडेंट्स भी है, तो उनसे भी जानते हैं कि ये कैंप में आने के बाद में वो कितना खुश है। तो ये बताइए, आप कौन से स्कूल से? हम कृष्णावत स्कूल से। कौन सी क्लास? 12th। तो आपने अपना यहाँ पे इलाज करवाई? जी। अभी सारे डॉक्टर्स यहाँ पे थे, तो वैसे में ये जो कैंप रखा गया है NGO की तरफ से, आप लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हुई? जी, बहुत फ़ायदा हुआ हमारा।
कि हमारा जो हेल्थ है, हाइजीन है, हमें कैसे रहना है, वो सब के बारे में बताया गया पहले तो. फिर उसके बाद हम जो चेकअप कराए, जो हमारा प्रॉब्लम है, वो सब का सॉल्यूशन हुआ, मतलब वो सब के बारे में बताया गया. यहाँ पे जो ग्राम के जो महिलाएं हैं वो दूर दराज जैसे पर नहीं जा सकते, उनको मतलब यहाँ पर सुविधा बहुत मिली है. जो मतलब महिलाएं से मतलब संबंधित जो समस्या है वो यहाँ पर आके यहाँ पर अपना चेकअप करवा सकते हैं. और यहाँ बहुत सारे स्पेशलिस्ट आए हैं जेपन से, जिससे मतलब बहुत सारी सुविधाएं उन्हें मिल सकती है. और कभी जैसे आप देख रहे हैं बहुत भीड़ भी है, सब लोग अपना चेकअप करवा रहे हैं. जैसे कि अगर जीवी पर जाते हैं तो काफ़ी लाइन भी रहते हैं और टाइम भी लग जाते हैं, और यहाँ से जाने में भी कई टाइम लग जाता है वहाँ पे. तो वैसे में ये आपके गांव में आने से आपको कितना फायदा? वही मतलब उतना दूर तक जाना, लाइन में खड़ा होना, शाम हो जाता है कभी कभी, इसलिए यहाँ पर आने से मतलब जितना भी ग्राम के है महिलाएं जो कभी निकलते नहीं है, या उसको सुविधा बहुत मिलेगी यहाँ पर आने से. आगे भी होने चाहिए? हाँ, जरूर होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए बहुत अच्छा है. थैंक यू. अभी हमारे साथ में एनजीओ से जुड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं. इन्हीं के बदौलत जो है यह कैंप को यहाँ पे अरेंज किया गया, तो इनसे जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है. और खास करके इसमें हमने देखे कि महिलाओं के लिए रखा गया पहला कैंप मेरे को लगा, क्योंकि कई सारे कैंप्स हमने देखे हैं जहाँ पे सारे लोगों के लिए रखते हैं, इस बार यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए अलग से कैंप रखा गया, तो उसका क्या उद्देश्य है वो भी हम जानते हैं. तो मैम सबसे पहले आप लोगों को बधाई हो, इतना अच्छा कैंप आपने रखा है, उसमें काफ़ी लोग यहाँ के स्थानीय लोग जुड़े हैं आपसे. तो वैसे में ये कैंप यहाँ पे रखने के लिए आप लोग कैसा आप लोगों ये सोचा है? जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनजीओ वित्यू, खासकर हमारे जो हमारे संगठन में हम सभी महिलाएँ हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी महिलाएँ सभी ऑफिस बियरर्स हैं. और हम महिलाओं का ये हमेशा एक सोच रहा है कि महिलाओं के लिए जो है समाज में काम करना है. तो ये हमारा बहुत दिन से दिल में तक कि एक कैंप करे जो स्पेशली हम लोग विमेन के लिए करे. तो यही सोच के साथ हमने, क्योंकि बीच में आपको पता है कोविड था, तो कोविड रिलीफ में हम लोग बिजी हो गए थे. उसके बाद हमारा बाकी सामाजिक जो काम है उसमें रह गए. जो अभी हाल फिलहाल में देखिए, अब सैनिटेशन वर्कर्स को हमने उनको फेलिसिटेट करवाया, और जो क्लीननेस ड्राइव है उसमें हमारे एनजीओ पार्टिसिपेट. तो हमने देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं, रूरल एरिया में जो महिलाएं रहते हैं, उनका जो है स्थिति बहुत नाजुक होती है, और वो जल्दी से हॉस्पिटल नहीं जाती है, और उनको यहाँ से रूरल एरिया से पोर्टलैब जाना पड़ता है अगर उनको ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए जाना है. तो हमने ये एक मीटिंग में हमने ये फैसला किया कि हमारा एक कैंप हमारा रूरल एरिया में करेंगे. और इसी से हमने अपना जो हमारे यहाँ की प्रधान है, जो ग्राम पंचायत के आनंद जी से बात किया, और हमने हेल्थ सर्विस के जो सेक्रेटरी है उनसे भी, और उनके वहाँ से हमने कहा कि हमारे गायनेकोलॉजिस्ट एक दीजिए, और महिलाएं हैं तो जरूर उनके बच्चे, छोटे बच्चे हैं, पेडियाट्रिशियन, तो एक पेडियाट्रिशियन को डॉक्टर दीजिए, और हमारा मेडिकल स्पेशलिस्ट. कौन कौन से स्पेशलिस्ट लोग आए हैं जी? अभी हमारे बीच में जो है गायनेकोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियन है, और मेडिकल स्पेशलिस्ट है. जी, तो आज हमारे यहाँ पे जो महिलाएं बढ़ चढ़ कर इसी के लिए काम आए हैं, और अपना उनका अपना जो है दिखा रहे हैं, और हम लोग का जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जो स्कूल्स के बच्चे, उनका भी जो है चेकअप हो रहा है. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें. हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान.